एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम राजन और हरीश था। एक दिन वे दोनों एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। वह रास्ता एक जंगल से गुजर रहा था। दोनों को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। और इतने में राजन को रास्ते में एक बड़ा सा भालू आता दिखाई दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह अपने दोस्त की सुरक्षा के बारे में सोचता भी नहीं है। जब हरीश ने भालू को देखा तो उसे पेड़ पर चढ़ने का ज्यादा समय नहीं बचा था। लेकिन वह बुद्धिमान और समझदार था। उसने सुना था कि भालू मृत व्यक्ति को नहीं छूता है। वह तुरंत श्वास रोककर जमीन पर लेट गया। भालू जमीन पर लेटे हरीश के नजदीक आया। भालू ने उसके शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर अपने रास्ते चला गया। जब भालू चला गया तो हरीश उठ गया। पेड़ पर चढ़ा राजन नीचे उतरा और उतरते ही उसने पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। हरीश ने उत्तर दिया कि भालू ने मेरे कान में कहा कि उस मित्र के साथ कभी मत रहो जो विपत्ति में तुम्हारा साथ छोड़ दे, जैसे राजन। हमने इस कहानी से सीखा है, झूठे दोस्तों से सावधान रहें।